जिस जहरीली हवा ने दिल्ली में सांस लेना मुश्किल कर दिया है, वो सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों में फैली है। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगले 3 दिन तक उत्तर भारत के कई शहरों में इस धुंध का असर रहेगा। ये उत्तर भारत के वो शहर हैं जो दिल्ली से दूर हैं, लेकिन जहां की हवा उतनी ही जहरीली है जितनी दिल्ली की। इन शहरों में फैली धुंध इतनी ज्यादा है कि आसमान की ऊंचाई से भी साफ नजर आ रही है। अमेरिकी एजेंसी नासा की तरफ से जारी की गई 2 तस्वीरें पूरे उत्तर भारत पर स्मॉग अटैक की गवाही दे रहे हैं। 7 नवंबर को ली गई इस पहली तस्वीर को देखिए, जिसमें पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैली धुंध साफ दिख रही है। इस तस्वीर से धुंध और कोहरे के अंतर को भी समझा जा सकता है। पाकिस्तान के एक हिस्से में दिख रहे ये गहरे सफेद टुकड़े दरअसल ठंड में पड़ने वाला कोहरा है, जबकि बाकी जगहों पर दिख रहे हल्के सफेद रंग के टुकड़े धुंध हैं। नासा की दूसरी तस्वीर इस जहरीली धुंध को और करीब से दिखा रही है। इससे साफ है कि धुंध दिल्ली, लखनऊ और पटना तक फैल चुकी है। पाकिस्तान और पंजाब वाला जो एरिया, यहाँ कोहरा 3-4 तारीख में शुरू हुआ था और ये कोहरा धीरे धीरे जो धीमी गति की जो हवाएं होती हैं उनके साथ एडवेक्ट होके ये हरियाणा और NCR दिल्ली और UP की तरफ बढ़ा। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर यह है पंजाब का लुधियाना शहर। नवंबर के महीने में लुधियाना में इतनी धुंध पिछले 5 सालों में कभी नहीं हुई। यह असर है उसी प्रदूषण का जिसने दिल्ली वालों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया है। हालांकि इस प्रदूषण की एक वजह है पंजाब के ही खेतों में जलने वाली पराली। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पंजाब की हवा में बढ़ती नमी के कारण प्रदूषण के कण हवा में ठहर गए हैं और यही स्मॉग बनकर पंजाब के लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। आजकल के आंखों में धुआंसा लगता है तो उसमें जलन होती है और इस सीजन में इतना जो ये है ना डेंस फॉगी वो पहले कभी नहीं देखा। अभी एक दो दिन तो या 2 से 3 दिन तो अभी रेनफॉल की कोई फोरकास्ट है नहीं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। आगे अगर रेनफॉल हो जाती है तो उससे फिर क्लैरिटी हो जाएगी, बट अभी वैसे ऐसे ही कंसिस्ट करेगा। पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर की हवा भी जहरीली हो चुकी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की गुणवत्ता का स्तर 300 से ज्यादा बना हुआ है, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। बताया जा रहा है कि इसकी एक वजह है शहर में फैली गंदगी। हवा में घुलते जहर का शिकार सिर्फ दिल्ली और NCR ही नहीं बल्कि देश के कुछ छोटे शहर भी हैं और उन्हीं शहरों में से एक है बिहार का मुजफ्फरपुर। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टेशन पर मौजूद हैं और अगर हम यहाँ पर आपको यहाँ के मौजूदा प्रदूषण स्तर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर मौजूदा जो PM2.5 है उसका स्तर 114 है, जो कि ख़तरनाक है। जो यहाँ का वातावरण है वो दूषित हो चुका है। हालाँकि अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के वेबसाइट के माने तो फ़िलहाल यहाँ पर जो PM2.5 का लेवल है वो 300 के पार है। उत्तर प्रदेश की उद्योग नगरी कानपुर के लोग भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। हवा में मौजूद जहरीले कण धुंध की शक्ल में पूरे शहर में फैल चुके हैं। एक तो इंडस्ट्रीज हैं और दूसरे बहुत बड़ा कारण है कि जो सड़कें खुदी पड़ी हैं चारों तरफ, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। आज सड़क बनती है, 2 दिन बाद फिर खोद दी जाती है और उनको खोदने के बाद प्रॉपरली कवर अप नहीं किया जाता है, जिससे कि धूल बहुत उड़ती है। और जो ये बायोमास होता है जलाते हैं जो लोग, उसकी वजह से बहुत धुआं पैदा होता है। वायु प्रदूषण के मामले में कानपुर भी दिल्ली की राह पकड़ रहा है। अगर आज दोपहर 1 बजे की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां का 247 था, जबकि 3 बजे 232 है। यानी कि दोनों आंकड़े जो है बता रहे हैं कि ये शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि वेरी अनहेल्दी है शरीर के लिए। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर यूपी का मुरादाबाद शहर भी घनी धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। जानकारों के मुताबिक मुरादाबाद में इलेक्ट्रॉनिक कचरा जलाने और पीतल कारोबार की वजह से हवा में प्रदूषण फैलाने वाले कण बढ़ते हैं,
यही वजह है कि पिछले दो दिनों में यहाँ के अस्पतालों में सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ गए हैं। यहाँ हवा की गुणवत्ता का स्तर 500 में से 451 है, जो खतरनाक श्रेणी में है। मास्क लगा के चलें और मास्क वो लगाएं जो PM10 और PM2.5 को रोक सके। एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए हवा के साफ या गंदे होने का पता चलता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को 500 के पैमाने पर नापा जाता है, जिसमें 0 से 50 का AQI अच्छा माना जाता है, 200 से 300 खराब, 300 से 400 बहुत खराब, 400 से ऊपर खतरनाक। इस हिसाब से उत्तर भारत के ज्यादातर शहर फिलहाल बहुत खराब या खतरनाक श्रेणी में है, जैसे हरियाणा के फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 यानी खतरनाक, रोहतक का 411 यानी खतरनाक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का AQI भी 432 यानी खतरनाक, आगरा का 394 यानी बहुत खराब। इसकी तुलना में दक्षिण भारत के शहरों की हवा साफ है, जैसे पिछले 24 घंटों में तिरुवनंतपुरम का एयर इंडेक्स 69 यानी संतोषजनक पाया गया है, चेन्नई का 70 यानी संतोषजनक, विजयवाड़ा का 84 यानी संतोषजनक, वहीं बेंगलुरु का एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 46 यानी अच्छा रहा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।